कबड्डी के नए खिलाड़ियों को उभारने व उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से दुर्ग जिले के ग्राम कचांदुर में स्थित भरतलाल देशमुख क्रीड़ा संस्था द्वारा कबड्डी के खिलाड़ियों का चयन स्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें 96 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें 80 बच्चे खेलेंगे और 16 बच्चे प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन चयनित खिलाड़ियों को दुर्ग प्रीमियर लीग जो अप्रैल माह में आयोजित होगी उसमें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इस चयन स्पर्धा में ग्राम कचांदुर के सरपंच सहित संस्था के पदाधिकारी भी मौजूद थे। संस्था के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। ये मैडम पहली बार हुआ है दुर्ग जिला में। क्या है, हम लोग एक खिलाड़ी थे लेकिन देखते गए, अब संन्यास लेने के मतलब उसमें आ गए हैं, छोड़ चुके थे। तो जैसे बैठते थे हम लोग के सीनियर खिलाड़ियों के साथ, तो एक बात चर्चा चलता था, एक समय तक खेले लेकिन उसके बाद फिर हो गया, कोई पूछता नहीं है ऐसे करके। तो फिर हमने फेडरेशन से बात किया और मतलब जो बच्चे हैं एक छोड़ते जा रहे हैं तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि आज जिला तक खेल रहे हैं, यही उत्साह बना रहे और वो स्टेट लेवल तक जाए। शायद इसकी तैयारी करते करते वो स्टेट लेवल तक एक भावना व्यक्त हो, और उसके तहत देखते देखते एक जो छूट रहे थे, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे वो छूट रहे थे, तो इससे जुड़ाव होगा उन्हीं के, मतलब उन्हीं को हम कोच मैनेजर बना रहे हैं जो संन्यास मतलब उसमें आ चुका है। तो इससे क्या है, कबड्डी खेल से वो जुड़े रहेंगे। पहली बार अभी हमारी संस्था ओपनिंग में है, इसके बाद धीरे धीरे सांस्कृतिक क्षेत्र में और अपना पर्यावरण के क्षेत्र में भी इनको मतलब जोड़ा जाएगा और आगे समाज के लिए जितनी भी बन सकती है उसका। जी जी हाँ, मतलब ये प्लेटफॉर्म हम लोग इसीलिए तैयार कर रहे हैं मैडम कि देखिए क्षेत्रीय खेल के लिए, जैसे कि अब हमारे सीएम साहब ने जो भी कार्य किया वो तो सराहनीय है, इसी को क्षेत्र में इसको भी बढ़ावा देते हुए, क्योंकि एक संस्था का बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भरत लाल जी हैं एक समय में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, आज विलुप्त तो हो गए थे, तो इसी माध्यम से कि पता चलेगा कि एक दुर्ग से निकल कर, एक गाँव से निकल कर उन्होंने एक उपलब्धि प्राप्त की है अंतर्राष्ट्रीय तक। जी अभी तक तो अधिकतर हम शहरों में देखने को मिलता था हम लोगों को कि ऐसे मंच जो अधिकतर मेट में जो खेल है वो शहरों में देखने को मिलता था, अभी हमको गाँव में ये सुविधाएं मिल रही है। और मैं छत्तीसगढ़ शासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि हमारे गांव को आज प्राथमिकता मिल रही है और गांव के बच्चे आज इतने सारे इकट्ठे हुए हैं और इस बीच से हमारे चयन होके जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे गांव के बच्चे लोग शामिल हो रहे हैं। ज़्यादातर यहां पे लोकल ही बच्चे हैं हमारे। इसमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा? इसमें से 80 कंफर्म है और उसमें से हम एक आध तो एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 90 के लगभग हम यहाँ पे बच्चे सेलेक्ट करने जा रहे हैं। आज का तो एक ही दिवसीय है और इसके बाद हमारा जो कार्यक्रम होगा पूर्ण रूपेण वो अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में हम करेंगे, जो 3 दिवसीय होगा। उसमें हमारे जो बच्चे जो अच्छे जो परफॉर्मेंस करेंगे उनको और अच्छे से हम निखारने का प्रयास करेंगे।